तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पोस्टमैन बनने का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, यानी चुनाव कैसे करा जाता है एक पोस्टमैन का, यानी अगर आप पोस्टमैन बनना चाहते हो तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा। देखिए दोस्तों, पोस्टमैन या डाकिया बनने के लिए भारतीय डाक विभाग का संबंधित सर्कल ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन करने के बाद डाक विभाग किसी प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से या 12वीं क्लास में प्राप्त अंकों के आधार पर बनाई गई मेरिट सूची के आधार पर पोस्टमैन के पद पर नियुक्ति करता है। यानी देखिए दोस्तों, कहने का मतलब साफ साफ ये है कि आप जिस भी एरिया में रहते हो वहाँ पे जो है दो तरह से जो है पोस्टमैन की नियुक्ति की जाती है। एक तो आपका पेपर के थ्रू, यानी आपका अब 12वीं आपने पास के लिए, उसके बाद आप जब भी नोटिफिकेशन इशू होगा पोस्टमैन के पद के लिए तो आपको पेपर देना होगा 12th के बेस पे, या तो उसके थ्रू या तो फिर आपने जो 12th क्लास में नंबर अर्जित करें, यानी जो भी आपके नंबर आए हैं, जिसके ज़्यादा नंबर आए होंगे उन बच्चों को चुना जाता है। और देखिए दोस्तों, अगर पोस्टमैन के पद के लिए संबंधित नियुक्ति प्रक्रिया समय समय पर बदलती रहती है, परंतु यदि प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से पोस्टमैन के पद पर नियुक्ति की जाती है तो संबंधित प्रतियोगी परीक्षा में मुख्यतः निम्नलिखित विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे अंग्रेजी, गणित, हिंदी, सामान्य ज्ञान, रीजनिंग, ओके। और उपरोक्त सीधी नियुक्ति प्रक्रिया के अलावा डाक विभाग में डाकिया के कुछ पद डाक विभाग में कार्यरत ग्रामीण डाक सेवकों की पदोन्नति भी करी जाती है, ओके। और बाय द वे, ऐसे जो है सिलेक्शन करा जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।